एक जानकारी आप सभी लोगों को देनी थी, बहुत जरूरी सूचना है। ऐसे छात्र जो हमारे MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से BA, MA, BCom, MCom फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, जो पहली बार प्राइवेट फॉर्म भर रहे हैं, उनके सामने एक समस्या आ रही है कि फॉर्म भरने के बाद उन्हें जिला चूज करना है, और जिला चूज करने के बाद जो प्रिंट आउट निकल के आएगा, फाइनल सबमिट होने के बाद जो प्रिंट आउट निकल के आएगा, उसे कहाँ जमा करना है, कौन से कॉलेज में जमा करना है। तो बहुत से हमारे साथियों ने ये कमेंट करके पूछा है। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 10 मई से, और जिसकी अंतिम तिथि आपकी 25 मई है। 25 तारीख तक आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं, और जो छात्र सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के हैं वो लोग पुरानी प्रक्रिया के तहत ही आवेदन करेंगे और उसी कॉलेज में फाइनल सबमिट करेंगे जहां से उन्होंने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किया है। अब समस्या ये आ रही है, जो BA फर्स्ट ईयर, VCom फर्स्ट ईयर, MA और MCom फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, तो उनके सामने समस्या ये आ रही है कि उन्हें इस बार किसी भी कॉलेज का सिलेक्शन नहीं करना है, उनके लिए एक जिला चूज करना है और उसी जिले में आपको परीक्षा देने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि फाइनल सबमिट होने के बाद फॉर्म आपको कहाँ जमा करना है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो बहुत से छात्रों ने पूछा, तो इसकी मैंने जानकारी भी ली, और अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नहीं किया गया है जिसमें यह कहा गया हो कि आपको आवेदन पत्र कहाँ जमा करना है। तो देखिए, अभी 2-3 दिन का इंतजार कर लीजिए, फाइनल सबमिट कर दीजिए, सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रख लीजिए, और 2-3 दिन का अभी और इंतजार करिए। यूनिवर्सिटी हो सकता है बहुत जल्द इसके लिए गाइडलाइन जारी करे या कोई नया नोटिस जारी करे, ठीक है, जिसमें वो बताएगी या अपने द्वारा स्वयं कोई ना कोई सेंटर बनाएगी ऐसा जहाँ आपको फॉर्म जमा करने हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी सेंटर नहीं बनाती है तो फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी में ही जमा करने पड़ेंगे, किसी भी कॉलेज में जमा नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी कोई हो सकता है बहुत जल्द एक नोटिस जारी कर दे। मेरी एक सर से बात हुई थी, यूनिवर्सिटी में ही है, उन्होंने बताया था कि ऐसी अभी कोई तक कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जो मैं छात्रों को दे सकूं, लेकिन हाँ इस चीज़ पे विचार चल रहा है, बहुत जल्द यूनिवर्सिटी जो है एक लेटर जारी करेगी और उसमें बताएगी कि आपको फाइनल सबमिट किया हुआ फॉर्म कहाँ जमा करना है। तो ये एक समस्या बनी हुई थी, इसे बहुत ज़्यादा समस्या ना बनाइए, इस फॉर्म को अपने पास रखिए, सुरक्षित रखिए, और जैसे ही सूचना मिलेगी सबसे पहले हम आपको अपने चैनल पर सूचना देंगे और आपको भी पता लग जाएगी, न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से नोटिस आ जाएगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि फाइनल सबमिट फॉर्म आपको कहाँ जमा करना है, ठीक है। बाकी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो लोग पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कोई सूचना आती है तो सबसे पहले हम आप तक डायरेक्ट पहुँचा सकें, ठीक है। और कोई नई सूचना आती है तो आप तो जरूर बताएंगे। फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार मत करिए, 25 मई लास्ट डेट है, लास्ट में जाकर वेबसाइट सही नहीं चलती है, इसलिए फॉर्म को बहुत जल्दी से भर दीजिए, ठीक है। और जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के साथ छात्र हैं वो निश्चिंत होकर अपने उसी कॉलेज में फॉर्म जमा करें जहां से उन्होंने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर किया था, और जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं वो फॉर्म को अपने पास सुरक्षित रख लें, 2-4 दिन में सूचना मिल जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें अगला कार्य करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।